हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज एक बढ़िया फॉल होते हुए नज़र आया हुआ है नीचे की तरफ। 18,286 का लेबल जो कि एक इंपॉर्टेंट लेबल था उसके आसपास निफ्टी क्लोज होता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेबल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला हुआ है। सो ऐसे में क्या हो हमारी कल की स्ट्रैटेजी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के अंदर जिस तरह का कैंडल दिखा है, हायर हाई पैटर्न जो था वे तोड़ते हुए हायर लो और लोअर लो पैटर्न बनाते हुए नजर आए, तो ये एक ही कैंडल है लेकिन ये कैंडल भरपूर निगेटिव है। सो इफ़ यू लुक इट इस बॉडी में क्लियर कट आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, कंप्लीट रेड बॉडी दिखेगा, मतलब एक थोड़ा सा निगेटिव व्यू बनता आ रहा है। इंट्राडे था या कल भी देखने को मिलेगा ये तो कल समझ में आएगा, लेकिन अभी भी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 18,200 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। सो अगर ग्लोबल मार्केट के चलते हुए इन लेबल्स पे मिलेगा तो क्या करें, 15 मिनट्स के चार्ट पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के अंदर में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मैं कई सेशन में बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, 18,200 से 18,230 के बीच में है। इसके पास में जाता है तो एक बार आपको बाय करना चाहिए, निफ्टी एक बार बाय करना चाहिए। हो सकता है नीचे की तरफ जाए, इससे भी नीचे जाए, और इससे नीचे जब जाता है तो 18,160 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये 180 तक का है लेकिन फिर भी 20 पॉइंट हम कुशन लेके जा रहे हैं, 18,160 तक का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एंड देन अगर इसे तोड़ देता है तो स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाइए। क्यों? क्योंकि रिवर्सल होगा तो पहला रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है, और अगर रिवर्सल होता है तो ऊपर की तरफ में आप 18,300 तक के लेवल्स देख सकते हो। 18,340 ये नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है, और फिर अगर 18,350 के ऊपर टिकता है तो आपको ट्रेल करना चाहिए 18,400 के लेवल के लिए। अगर साइडवेज मूवमेंट हुआ यानी 18,240 वगैरह के आसपास में ओपन होता है तो भी इन लेबल्स का वेट आपको करना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 60-70 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं, और अगर 230 की बात करें तो लगभग 50 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग होता है 18,340 के आसपास में, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ठीक है, आप 18,350 का पुट बाय कर लीजिए अगर उन लेबल्स के आसपास में ओपन होता है तो। स्टॉप लॉस आपके लिए 18,380 के आसपास का, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो टारगेट नीचे की तरफ बनेगा दैट विल बी अराउंड 18,280। सो छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट, ये बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस तरफ में आप ट्रेड कर सकते हो। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इन लेबल्स के आसपास में आपको सप्लाई देखने को मिल रहा है, इन लेबल्स के आसपास में शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है, और इन लेबल्स के आसपास में आपको लॉन्ग्स बनते हुए भी नज़र आए थे। पहले यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिला था, इन लेबल्स को नहीं तोड़ा था, इसलिए इन लेबल्स के आसपास में बाइंग बनती है निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन पे भी नज़र डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन चेन क्लियर कट आपको ये बता रहा है कि 18,400 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गई है, बढ़िया राइटिंग हो गई है। 2,86,000, 2,35,000 बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो 1,63,000 का, 92,000 का आज ही के दिन डिसिसिव राइटिंग हुआ है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस 18,300 और 18,350 पे नज़र डालिए, 1,65,000 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी है, यानी 18,300, 350, 400, 18,500 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 18,400 and 500 तो बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे की तरफ आए और थोड़ा समझने की कोशिश करें एग्जैक्टली। सो 1,56,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 18,300 पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो 18,200 पे लगभग 1,32,000 का है, और 1,22,000 का 18,100 पे है। अनवाइंडिंग बहुत ही कम हुई है, लगभग 8,000 लॉट के आसपास में, 16,000 लॉट के आसपास में अनवाइंडिंग हुई, ज़्यादा नहीं हुई है। यहाँ पे पोजीशंस ही ज़्यादा बने हुए नहीं थे। सो आज के दिन में थोड़ा डिसिसिव राइटिंग हो रहा है 18,400, 18,500। मुझे नहीं लग रहा है कि ये शायद एक दो दिन में टूटे, डाउट है ये टूटे, क्योंकि राइटिंग बहुत ही बेहतरीन हुई है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या यूएस मार्केट बढ़िया सपोर्ट कर जाए तब टूट सकता है, नहीं तो उसके टूटने के चांसेस थोड़े कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड देखने को मिला। आज का जो कैंडल बना वो कैंडल भी थोड़ा निगेटिव है निफ्टी के अंदर में। हमने कौन सा ट्रेड आज के दिन में इनिशिएट किया हुआ था? हमने बाय किया था 18,400 का कॉल ऑप्शन हमने लिया हुआ था। लेट मी शो यू दैट। सो 18,400 का हमने कॉल ऑप्शन लिया हुआ था। वेयर इज दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Here it is. So, हमने 18,400 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 190 के आसपास की बाइंग थी और टारगेट हमने रखा था लाइफ टाइम हाई का कि निफ्टी माफ करिए बैंक निफ्टी जब 44,151.8070 के ऊपर जाएगी तब हम बुक करेंगे. बट जैसा मैं नॉर्मली करता हूँ, मैं ट्रेल करता हूँ, मैंने ट्रेल करना शुरू किया और 163 के आसपास में हमने इसे निकाल दिया, 263. सो 263 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया. ये हमारा ट्रेड नंबर 26 था और जिसके ट्रेड नंबर 26 इसके अंदर में लगभग हमने 37% का प्रॉफिट बुक किया हुआ है आज के दिन में. सो ओवरऑल अभी तक जो हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ, दिस इज़ व्हाट द ट्रेड आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी तक जो हमने प्रॉफिट बुक किया है इस महीने में लगभग 115.65% का प्रॉफिट बुक किया हमने. कहाँ से? इस प्रोग्राम के माध्यम से. ओवरऑल 129.69% का हमने प्रॉफिट बुक किया है. एग्जांपल हम 19,000 के आसपास का ट्रेड कर लेते हैं और अप्रैल से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की हुई है. अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, इस टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, तो ये सारे ट्रेड्स आपको लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे. और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं. एंड इनकेस अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे. बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं. बैंक निफ्टी पिछले दो दिनों से लुका छुपी वाला गेम खेल रहा है. लाइफ टाइम हाई से कल के दिन में सिर्फ और सिर्फ 0.10 पॉइंट दूर था, लेकिन आज उम्मीद थी लाइफ टाइम हाई बनने की, वहाँ से आज लगभग 7-8 पॉइंट नीचे से रिवर्स कर गया. 44,144 के आसपास का हाई पॉइंट बना हुआ है. सो हाई पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 0.10 से मस हुआ. सो हम एक तरह से मैं इसे लाइफ टाइम हाई के लेबल का ही मांग रहा हूँ, बट इवन दो मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो 0.10 जो कैंडल बना है वो निगेटिव है, नो डाउट इन दैट. जहाँ पे ओपनिंग हुई वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, निगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है हमें. क्लोजिंग आपकी 44,000 के नीचे की मिली है. एक क्लोजिंग ऊपर मिली थी, दूसरी क्लोजिंग 44,000 के नीचे की मिल रही है, यानी कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी. कल की क्लोजिंग अगर आपको 44,100 के ऊपर की मिल जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल, यानी ऊपर के मूव फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे. कल की क्लोजिंग अगर आपको 43,700 की मिल जाती है तो एक बार थोड़ा और डिप देखने को मिल सकता है और हो सकता है इन लेवल्स के आसपास में, विच इज़ अराउंड 43,300-400 एक बार बैंक निफ्टी आने की कोशिश करे एक दो दिन के अंदर में. 44,100 टूटता है तो 45,000 साइट में रहेगा, 45,000 चांसेस बनते हैं देन इन दैट केस. बट इंट्राडे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म कर सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है. सो बैंक निफ्टी में अब जो एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए वो है लाइफ टाइम हाई 44,150 के आसपास का. ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है. सेकेंड चीज, अगर शॉर्ट करना है तो आप इन लेवल्स पे जाने के बाद में शॉर्ट कर सकते हो. सो लेट्स से हम कल गैप ऑफ ओपनिंग अगर हो जाते हैं और गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद में आपको शॉर्ट करने का मूड करता है, सो 44,150 के आसपास में ठीक ठाक है शॉर्ट करने के लिए. स्टॉप लॉस 44,200 के आसपास का होना चाहिए. क्यों? एक अगर इसके ऊपर टिक जाते हैं, 44,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट 44,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा. नीचे की तरफ में 43,900-950 के टारगेट के लिए एक बार काम किया जा सकता है. अगर साइडवेज ओपनिंग होती है, यानी 43,856 के आसपास में होती है, तो एक बार 43,700 का लेवल मिलता है तो बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 43,550. ये स्टॉप लॉस के साथ में लगभग 150 पॉइंट का रहेगा. और ऊपर की तरफ में आप 43,944,000 यानी 100 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, 44,150 के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं. ये साइडवेज होने पे इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस रेंज में, अगर आपको मिल जाता है विच इज़ बिटवीन 43,550-43,450, ये 100 पॉइंट के अगर रेंज में मिलता है तो भी बढ़िया बाइंग ऑप्शन होगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43,270 के आसपास का. ये रेंज के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 270 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं. ऊपर की तरफ में आप टारगेट 43,950 के लिए काम किया जा सकता है. थोड़ा सा एग्रेसिव लॉन्ग करने से बचे, रीजन बीइंग मार्केट ट्रेंड खोजने की कोशिश कर रहा है. सो एग्रेसिव लॉन्ग करने से थोड़ा सा बचना चाहिए हमें. यहाँ पे ऑप्शन चेन पे एक बार नजर डालिए, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है. बैंक निफ्टी के अंदर में
जिस तरह से निफ्टी के अंदर एक डिसीजिव राइटिंग हुई है, बैंक निफ्टी में भी वैसी ही एक डिसीजिव राइटिंग देखने को मिल रही है 44,000 के लेवल पे, 224,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, और दिन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 84,000 लॉट की राइटिंग की गई है। कल 44,000 ओपन था, बढ़िया ओपन इंटरेस्ट था। कल हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई तभी हम ऊपर जा रहे हैं, आज वहाँ पे राइटिंग फ्रेश एडिशन होता हुआ नजर आया हुआ है। सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस 44,000 कॉल राइटर्स का अभी भी बरकरार है। 1,23,649 की आपको राइटिंग देखने को मिलेगी 44,000 पे, और उससे ज़्यादा राइटिंग 1,46,000 पे, जहाँ पे आज अनवाइंडिंग हुआ है लगभग 80,000 लॉट का, यानी कल के दिन में ये 2,00,000 के ऊपर था, आज वहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है 43,500 पे, अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके अलावा ऊपर की तरफ में 44,100-200 पे भी रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर गया तो 45,000 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो 43,500 एक बढ़िया बाइंग ऑप्शन हो सकता है अगर उस लेवल के आसपास में मिलता है तो। स्टॉप लॉस हमने ऑलरेडी बात कर लिया हुआ है आपसे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आपको सारा पैसा कमाए। कनेक्ट।